रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लाए हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन यदि आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से ज़रूर आप देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद भी लगे तो लाइक तो करिए करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपको बताते आखिर रेलवे ग्रुप डी 2019 में किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आए। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में रिजेक्टेड स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कौन सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसी के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेटों को रिजेक्ट कर दिए गए। उन सभी को लेकर यहाँ पर भारी मात्रा में जो है यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो चुके हैं, उन्हें कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहे हैं कि आखिर करें तो करें क्या। बहुत सारे कैंडिडेट जो है ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके बोल रहे हैं कि ये जो हमारा जो अंतिम टाइम, इसके बाद हम रेलवे का फॉर्म कभी भी नहीं भर सकते हैं क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है एक्सपायर हो जाएंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं नीचे कमेंट लिख कर जरूर बताइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसीबत है उन्हीं लोगों को जिनका यह लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद उनको कभी भी फॉर्म भरने का मौका नहीं मिले। और जिनका कम एज है उनको दोबारा से मौका मिल भी सकते हैं लेकिन उनके लिए कोई उम्मीद नहीं, तो वे सारे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइए। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पैसों को लेकर काफ़ी तंगी चल रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा समस्या है, वे बहुत सारे जो है बहुत प्रॉब्लम में गुजरते हैं और वे एक उम्मीद थे कि रेलवे में हमारा जॉब हो जाए। तो उन रिजेक्ट होने के बाद जो है उन सभी उम्मीदों को पूरा पानी में फेर दिए गए, जिसके कारण स्टूडेंट पूरा फूट फूट कर रो रहे हैं। तो इन सभी के लिए सुलझने के लिए इन सभी के समाधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी के विषय में आप सभी के पास यहाँ पर हम जो है चर्चा करने वाले। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और वे इस बार अपना मेहनत को कम्प्लीट कर लिए थे, यानी कि तैयारी को कम्प्लीट कर लिए थे और उन सभी को विश्वास था कि इस बार हमारा रेलवे में जॉब हो जाएंगे। तो वैसे भी कैंडिडेट को यहाँ पर रिजेक्टेड कर दिए गए। तो ये गलत किए हैं कि सही किए हैं नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट हैं दिवाकर कुमार गुप्ता जी, सबसे पहले इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अपना कीमती समय देकर हमारे इस वीडियो में जो है कमेंट किए, लाइक किए, शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर लिखे गए 90% स्टूडेंट का फोटो स्टेट ऑफ फोटो का आ रहा है, फुल्ली रेलवे गलत है, यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका कहने का मतलब है। और इसके पहले भी यह भी लिखे हुए कि पहले सुधार होगा तभी एग्जाम होगा, नहीं तो चक्का जाम होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका एक टैगलाइन बनेगी कि पहले सुधार होगा तभी एग्जाम होगा, नहीं तो चक्का जाम होगा। तो इनका एक टैगलाइन बनेगी। आई इसी टैगलाइन पर आप सभी के पास कौन कौन इन सभी के साथ है इसके भी विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाले दोस्तों, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो आप सभी यहाँ पर बताएं नीचे कमेंट लिखकर कि दिवाकर कुमार गुप्ता के साथ कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर सम्मिलित है, यह जरूर बताइएगा। यहाँ पर कुछ हम आप सभी के लिए पॉइंटेड यहाँ पर दे रहे हैं कि कौन सा नंबर आप सभी के पास साथ में रहना चाहते हैं। पहला पॉइंट जो है रिजेक्टेड स्टूडेंट को फिर से मौका मिलना चाहिए, ठीक है। जो भी रिजेक्टेड स्टूडेंट है उनको दोबारा से मौका मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि फिर से कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है दूसरा में कि फिर से जो है किसी भी प्रकार का कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, यानी कि कोई मौका रेलवे नहीं देना चाहिए रिजेक्टेड स्टूडेंट को। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा, जो तीसरा पॉइंट है दिवाकर जो गुप्ता के साथ हम सभी हैं और रिजेक्टेड स्टूडेंट को फिर से रीअपलोड करने का मौका देना चाहिए। इन तीनों ऑप्शंस में आप सभी किस ऑप्शंस के साथ जाना पसंद करेंगे दोस्तों, कमेंट लिखकर जरूर बताइए कि रिजेक्टेड स्टूडेंट को फिर से मौका मिलना चाहिए, रिजेक्टेड स्टूडेंट को फिर से कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, दिवाकर गुप्ता के साथ हम सभी हैं और रिजेक्टेड स्टूडेंट को फिर से रीअपलोड करने का मौका देना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा समस्या है, क्योंकि उन सभी को जो है एक बार जरूर से जरूर मौका मिलना चाहिए। और एक बता दे, खुशखबरी बता दे, गुड न्यूज बता दे कि बहुत ही गुप्त सूत्रों से पता चला है कि बहुत ही जल्दी रेलवे रीअपलोड करने का लिंक जारी कर दिए जाएंगे
रेलवे जो है जारी कर दिए जाएंगे, उससे आप सभी अपलोड कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है निकल के आ रहे हैं, तो हमने सोचे कि आप सभी के पास ये खुशखबरी जरूर से ज़रूर आप सभी पास शेयर कर देंगे, ताकि आप सभी भी इसका आनंद ले पाए और अपने तैयारी को बरकरार कर पाए। क्योंकि जिस दिन से उनका फॉर्म को रिजेक्टेड हो गया, उन सभी को जो है रिजेक्टेड फॉर्म को देख कर उन सभी की तैयारी करने का दिल थोड़ा सा भी नहीं कर रहे, तो आप उन सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके अपने तैयारी को ना छोड़ें, तैयारी को बरकरार रखें, तैयारी अपना करते रहें। जरूर आपको एक बार जरूर से ज़रूर मौका मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, इसीलिए अपने तैयारी को छोड़े नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रीड करें, पढ़ें, और आप 31 तारीख तक वेट करें, उसके बाद ही कुछ यहाँ पर समस्या का समाधान हो सकते हैं। तो इनका जो है दिवाकर जी का कहने का मतलब था कि अगर रेलवे नहीं सुधारने के लिए दी जाती है तो रेलवे का चक्का जाम किया जाएगा। इसके साथ ही साथ रिक्वेस्ट किए जाएंगे रेलवे की तरफ से कि हम लोग को दोबारा मौका मिलने चाहिए। पूरा पूरा जो है इसको सपोर्ट कौन कौन लोग करेंगे, ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे, आप सभी को यह इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जो सूचना कैसे लगी दोस्तों, कमेंट लिखिएगा जरूर। आप किस ऑप्शंस के साथ है, पहला ऑप्शंस, दूसरा ऑप्शंस, तीसरा ऑप्शंस, नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से कोई एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ, काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना के साथ। तब तक रहिए खुश और तब तक रहिए अपना तैयारी को बरकरार, और रखिए अपने आप को उम्मीद, अपना हौसला को कभी भी कम ना रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।